राजधानी पटना में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रात्रि के समय पटना सिटी का दौरा कर अगमकुआ स्थित एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले और उनके अस्पताल में मरीजों के मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने मंत्री जी को अस्पताल की कुव्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। वहीं तेजस्वी यादव ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल में और सुविधा बहाल किए जाने की बात कही और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। वहीं तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि जांच के उपरांत अस्पताल में काफी कमियां पाई गई है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर दिशा निर्देश दिया जाएगा। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। हम लोगों की बैठक हुई है डेंगू के लेकर के, और फिर अचानक से हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं, जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए जानने के लिए कि क्या स्थिति है। तो सारी चीजों को हम लोग जनता के लिए हैं और जनता ने, अब भाई बात कर रहे हैं ना, आपका सारा बात हम सुन लिए, एक ही बतवा अलग अलग बात लोग नहीं ना बोलेगा, एक ही प्रॉब्लम है। तो जो समस्या है, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आ करके चीजों का जायजा लिया जाए। जब तक कमी नहीं पता होगा तब तक जो है आप कमी को दूर नहीं कर सकते। तो हम लोग काफी चीजें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है, साफ सफाई को लेकर के, साफ सफाई तो थोड़ा बेटर है लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है, और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है, दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। इस पे हम लोग विशेष तौर पे इस बात को हम लोग बहस करेंगे। अबे भाई अभी जाकर के हम लोग बात करेंगे सारी चीजें, सारा चीज जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole.